गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 124 के ऊपर करेंगे टॉपिक है हमारा मेजरिंग लेंथ मतलब कुछ भी चीज़ है उसको हमें मापते ना उसके बारे में मेज़र करना है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको पिक्चर दिया हुआ है हैंड्सपन मतलब ये आपकी जो उंगलियाँ है वो उसके बाद आपको पेंसिल है तो देखो वो हैंड से है वो पेंसिल से ना पाए तो देखो ये क्या है बड़ी है द पेंसिल इज बाइट longer देन रवि इज हैंड्स तो क्या है जो ये हैंड है रवि का उससे पेंसिल कैसी है लोंग है मतलब लॉन्गर अब नेक्स्ट दिया है हमें देखो यहाँ पे दूसरे पिक्चर में द पेंसिल इज अबाउट फोर इरेजर longer क्या है यहाँ पे देखो पेंसिल एंड क्या है इरेजर दिया है तो क्या है द पेंसिल इज अबाउट फोर इरेजर लौंगर मतलब पेंसिल कितनी है फोर इरेजर जितनी लंबी है तो आपको यहाँ पे देखो क्या दिया है पेंसिल एंड इरेजर दो दिया है है तो पेंसिल कितनी है एक ही है और कितने इरेजर है फोर इरेजर है तो कितने बराबर एक पेंसिल हो रही है फोर इरेजर बराबर और यहाँ पे देखो यहाँ पे रवि का हैंड दिया हुआ है उसके बाद पेंसिल और रवि का है को क्या क्या है ना पाए तो क्या है पेंसिल उससे कैसी है बड़ी है मतलब लोंगर बड़ी है तो इसको क्या बोलते हैं लोंगर अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर इज अ स्मॉल फिक्स्ड लेंथ जो सेंटीमीटर है वो क्या है जो स्मॉल स्मॉल कुछ भी फिक्स लेंथ होती है उसके लिए यूज़ होता है तो इट इज़ अ यूजफुल फॉर मेजरिंग अ स्मॉल लेंथ मतलब जो छोटी छोटी जो चीज़ हमें नापनी होती है उसके लिए क्या यूज़ होता है सेंटीमीटर तो देखो यहाँ पे हमें स्केल दी हुई है तो यहाँ पे जीरो से वन दिया है तो वो कितना होता है वन सेंटीमीटर का जो जो हमारी स्केल है उसमें ऐसे जीरो और वन दिया होता है ना उसके बीच में कितना गैप होता है वन सेंटीमीटर का होता है ये देखो थ्री से फोर है तो कितना होगा वन सेंटीमीटर का कितने कितने का गैप होता है ये वन सेंटीमीटर का नेक्स्ट दिया है देखो फील इन द लेंथ अब आपको पिक्चर दिया है और यहाँ पे देखो स्केल के ऊपर ऐसे दिया है आपको क्या करना है लेंथ देखनी है यहाँ से देखो जीरो से स्टार्ट होके कहाँ तक आया टू तक तो इसको क्या बोलते हैं टू सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर अब देखो नेक्स्ट हमें कलर दिया है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे जीरो से कहाँ तक आ रहा है ये देखो फाइव तक आ रहा है कहाँ तक आ रहा है फाइव तक तो ये कितना सेंटीमीटर हुआ फाइव सेंटीमीटर कितना हुआ फाइव सेंटीमीटर नेक्स्ट <गणट> देखेंगे अब यहाँ पे देखो वन जीरो से कितना है वन है कहाँ तक है ये जो पिक्चर है वो जीरो से वन तक तो ये कितना सेंटीमीटर हुआ वन सेंटीमीटर ये बो ये जीरो से वन तक कितना सेंटीमीटर का है तो सें वन सेंटीमीटर का देखो जीरो से वन तक ही हमें पिक्चर देखो यहाँ पे दिया गया है तो ये कितना सेंटीमीटर हुआ तो वन सेंटीमीटर अब नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीरो से देखो कहाँ तक है? थ्री तक आ रहा है वो पिक्चर में देखो कहाँ तक आ रहा है ये पिक्चर पूरा जीरो से थ्री तक तो देखो वन टू थ्री तो कितने सेंटीमीटर हुए ये ये दो के बीच में कितने कितने सेंटीमीटर का गैप है वन वन का तो ये वन टू एंड थ्री तो यहाँ पे थ्री तक आ रहा है तो कितना आएगा यहाँ पे थ्री सेंटीमीटर स्केल में जो भी यहाँ पे आपको देखोगे तो जीरो वन टू ऐसे लिखा हो तो ये बीच में कितने कितने का गैप होता है वन वन सेंटीमीटर का तो यहाँ पे देखो जीरो से कितने तक है थ्री तक है तो ये कितने सेंटीमीटर की है जो ये पिन दी गई है हमें थ्री सेंटीमीटर की तो यहाँ पे कितना लिखना है आपको थ्री सेंटीमीटर अभी हमने सेंटीमीटर के बारे बारे में पढ़ा अब देखेंगे मीटर मीटर इज़ ऑल्सो फिक्स लेंथ मतलब ये भी फिक्स लेंथ होती है तो देखो वन मीटर बराबर कितना होता है हंड्रेड सेंटीमीटर कितना होता है हंड्रेड सेंटीमीटर ये आपको याद रखना है वन मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर तो हंड्रेड जब कितने इतने हंड्रेड सेंटीमीटर होगा तब कितना होगा वन मीटर तो ये याद रखना है आपको वन मीटर बराबर हंड्रेड सेंटीमीटर तो जो मीटर में क्या क्या हम जो लेंथ वो मेज़र करते हैं लेंथ ऑफ क्लॉथ रूम्स पाइप वायर एंड अलग जो भी डिफरेंट डिफरेंट जो भी चीज़ें होगी वो क्या क्या हम सेंटीमीटर में तो जो फिक्स होता है ना लेंथ जो छोटी छोटी लेंथ होती है वो नापते मेजर करते बट मीटर में कोई भी हमारा कपड़ा होगा वो रूम है पाइप है, वायर वो सब किस में हम किस में होता है मीटर में होता है तो उसके लिए क्या होता है मीटर स्केल और मीटर टेप्स देखो ये मीटर टेप है तो वो किससे हम जो लेंथ है वो मेज़र करते हैं मीटर स्केल या मीटर टेप से अब हमें नेक्स्ट दिया है एड द लेंथ आपको ये टोटल ये तीन भी पिन दी गए वन टू थ्री ये थ्री सेंटीमीटर की है ये थ्री सेंटीमीटर की है और ये थ्री सेंटीमीटर आप ऐसे जॉइन करोगे तो टोटल कितना मीटर होगा तो आपको ये प्लस करते जाना है तो देखो थ्री सेंटीमीटर प्लस थ्री सेंटीमीटर प्लस थ्री सेंटीमीटर तो कितना है नाइन सेंटीमीटर ऐसे हमें देखो नेक्स्ट क्या दिया है वॉच दिए दो वॉच है एक कितने की है ट्वेंटी थ्री सेंटीमीटर की तो आपको यहाँ पे लिखना है ट्वेंटी थ्री सेंटीमीटर अब प्लस एड करना है तो प्लस दूसरी कितने की है ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर अब ये दोनों का हमें क्या करना है प्लस करना है थ्री और फोर कितना सेवन टू और टू फोर तो फोर फोर्टी सेवन सेंटीमीटर ये दोनों जो बोझे तो टोटल कितनी हुई फोर्टी सेवन सेंटीमीटर अब देखो नेक्स्ट दिया है हमें शूज दिए हुए डिफरेंट डिफरेंट ट्वेंटी एट सेंटीमीटर का है एक ट्वेंटी टू सेंटीमीटर का है एक नाइन्टीन सेंटीमीटर का है तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ट्वेंटी एट सेंटीमीटर प्लस ये कितना है ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी टू सेंटीमीटर ये कितना है नाइन्टीन प्लस नाइन्टीन सेंटीमीटर मीटर तो हमें क्या करना है अब ये सब का प्लस करना है तो अब पहले ये लिख देना है आपको ऐसे एट और टू टेन टेन के अंदर हम नाइन ऐड करेंगे तो कितना होगा नाइनटीन नाइन यहाँ पे वन क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी टू और टू फोर और वन फाइव फाइव के अंदर हम वन एक ऐड करेंगे तो सिक्स तो ये टोटल कितनी लेंथ हुई सिक्सटी नाइन सेंटीमीटर अब ऐसे थ्री टू आप नापोगे साथ में तो उसकी लेंथ कितनी आएगी सिक्सटी नाइन सेंटीमीटर ऐसे ही हमें नेक्स्ट दिया है फाइव सेंटीमीटर और फाइव सेंटीमीटर तो हम यहाँ पे लिखना है फाइव सेंटीमीटर प्लस फाइव सेंटीमीटर फाइव और फाइव कितना होता है टेन तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा टेन सेंटीमीटर ये दोनों हमें क्यूब दिए वो कितना हुआ टेन सेंटीमीटर के देखो ऐसे उसकी लेंथ मेजर करेंगे तो टोटल कितना होगा फाइव और फाइव टेन तो ये दोनों क्यूब ऐसे मिलाओगे तो कितनी उसकी लेंथ होगी टेन सेंटीमीटर अब देखो नेक्स्ट दिया है हमें बस है तो एक कितने मीटर की है फोर मीटर की और दूसरी कितने की है फाइव मीटर तो ये दोनों क्या ऐसे हमें लेंथ साथ में ऐसे खड़ी होगी तो कितने मीटर होगा वो हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले यहाँ पे कितना दिया है फोर मीटर तो फोर मीटर प्लस ये कितने मीटर की है फाइव मीटर तो प्लस फाइव मीटर फोर और फाइव कितना नाइन होगा कितना आएगा नाइन तो ये दोनों बस कितनी होएगी पूरी ऐसे खड़ी होगी तो नाइन मीटर की हम जो दोनों को बस को ऐड करेंगे तो कितने हो गया उसका जो लेंथ है वो नाइन मीटर इससे हमें देखो ये पूरे हाउस का बोला है तो हाउस है तो ये मीटर में आएगा तो यहाँ पे देखो टू मीटर प्लस ये क्या है सिक्स मीटर तो टू प्लस सिक्स यहाँ पे है सिक्स सिक्स के अंदर हम ऐड करेंगे तो सिक्स सेवन ऐट तो यहाँ पे पूरा ये हाउस कितने मीटर का है तो ऐट मीटर का उसकी लेंथ कितनी है पूरी यहाँ से नीचे से ये देखो आपको फ्लैग दिखाई दे रहा है वहाँ तक का तो उसकी लेंथ कितनी होगी एट मीटर अब नेक्स्ट दिया है हमें ऐड मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर सब में अलग अलग दिया है आपको क्या करना है ऐड करना है जैसे हम पहले कर रहे यहाँ पे टू एंड सेवन है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो सेवन के अंदर हम टू एड करेंगे तो क्या आएगा सेवन एट नाइन तो यहाँ पे आएगा नाइन और यहाँ पे एट है नीचे कुछ है नहीं है तो यहाँ पे आएगा एट यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है तो आपको पीछे क्या लिखना है सेंटीमीटर तो यहाँ पे क्या है कितना हो जाए हो जाएगा एटी नाइन सेंटीमीटर ऐसे देखो थर्टी थ्री प्लस फोर्टी सिक्स सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ से सिक्स सेवन ऐट नाइन कितना होगा सिक्स के अंदर हम थ्री एड करेंगे तो सिक्स सेवन ऐट नाइन तो यहाँ पे आएगा नाइन ये है फोर फोर के अंदर हमें थ्री एड करना है फोर फाइव सिक्स सेवन तो यहाँ पे आएगा सेवन सेंटीमीटर है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है सेंटीमीटर यहाँ पे सेवेंटी नाइन तो आपको लिखना है सेवेंटी नाइन सेंटीमीटर ऐसे देखो ऐट है यहाँ पे फोर है 8 के अंदर हम कितना फोर एड करेंगे एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व आया टू यहाँ पे वन क्या हो जाएगी इसके ऊपर केरी फाइव सिक्स सेवन 8, एट यहाँ पे आएगा मीटर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम मीटर ये टोटल कितना आएगा यहाँ पे एटी टू मीटर अब देखो यहाँ पे दिया है ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर एंड नाइन्टी सिक्स सेंटीमीटर तो सिक्स और सिक्स कितना ट्वेल्व टू यहाँ पे वन क्या हो जाएगी इसके ऊपर केरी नाइन और वन टेन इलेवन ट्वेल्व तो यहाँ पे ट्वेल्व यहीं पे ही रहेगा सेंटीमीटर है तो आपको यहाँ पे लिखना है सेंटीमीटर अब ऐसे नेक्स्ट हमें दिया है सेवन एंड फाइव तो फाइव और सेवन कितना आएगा ट्वेल्व टू यहाँ पे वन इसके ऊपर क्या हो जाएगी केरी थ्री और वन फोर फाइव सिक्स यहाँ पे आएगा सिक्स एंड यहाँ पे कितना है टू के अंदर हम वन ऐड करेंगे तो कितना आएगा थ्री मीटर लिखा है तो आपको यहाँ पे लिखना है मीटर अब देखो यहाँ पे दिया है सेवन एंड ऐट कितना है ये सेवन एंड ऐट आपको ये सेवन और प्लस कितना करना है ऐड करना है तो यहाँ पे एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब एट के अंदर हम कितना ऐड करेंगे सेवन नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन यहाँ पे फाइव वन क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी। फाइव और वन सिक्स सिक्स के अंदर हमें फोर ऐड करना है तो सेवन एट नाइन टेन जीरो यहाँ पे वन क्या हो जाएगी इसके ऊपर कैरी। थ्री और वन फोर और ये वन फाइव सेंटीमीटर है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे सेंटीमीटर अब नेक्स्ट डे देखो नाइन और सिक्स नाइन और सिक्स कितना होगा नाइन है यहाँ पे और कितने सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन के अंदर हमें कितना सिक्स ऐड करना है तो टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन आया तो फाइव यहाँ पे और वन के फिफ्टीन एंड वन क्या होगा यहाँ पे कैरी यहाँ पे जीरो ज़ीरो तो यहाँ पे वन है तो क्या रहेगा वन अब यह है फोर उसके अंदर हमें कितना टू ऐड करना है फोर फाइव सिक्स तो यहाँ पे आएगा सिक्स पीछे क्या लिखा हुआ है मीटर तो आपको लिखना है यहाँ पे मीटर अब देखो ये बाकी के सम वन टू थ्री फोर वो आपको प्रैक्टिस के लिए करने इसके जो एडिशन के समय वो अब हमें नेक्स्ट दिया है सब ट्रैक सब ट्रेक मतलब जो कट करने वाले वो तो यहाँ पे देखो थ्री और यहाँ पे वन तो थ्री में से वन कट होगा यस yes. ये वाला जो नंबर छोटा है इसीलिए तो हम वन टू थ्री उसमें से कितना वन कट करना है वन कट किया कितना बचा वन टू तो यहाँ पे आएगा टू अब ये कितना है सेवन सेवन में से हमें कितना फाइव कट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इसमें से फाइव वन टू थ्री फोर फाइव कितना बचा वन टू तो यहाँ पे आएगा टू कितना लिखा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर तो आपको यहाँ पे लिखना है सेंटीमीटर नेक्स्ट दिया है 98 मीटर माइनस 54 मीटर तो हमें 8 में से कितना 4 कट करना है तो आपको फिंगर में आता है तो फिंगर में से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो उसमें से कितना फोर बोला है तो यहाँ से वन टू थ्री फोर कितना बचा वन टू थ्री फोर तो यहाँ पे कितना आएगा फोर इससे यहाँ पे नाइन दिया है नाइन में से आपको कितना कट करना है फाइव तो नाइन में से फाइव कट करो कितना आएगा फोर यहाँ पे मीटर है तो आपको लिखना है मीटर नेक्स्ट दिया है सिक्स उसमें से कितना टू कट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उसमें से कितना टू वन टू कितना बचा वन टू थ्री फोर अब देखो दिया है फाइव में से थ्री कट करना है तो फाइव में से थ्री कट करेंगे तो कितना आएगा टू वन है तो यहाँ पे आएगा वन सेंटीमीटर है तो लिखना है आपको सेंटीमीटर नेक्स्ट दिया है टू और ये है नाइन टू में से नाइन कट होगा नहीं होगा हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से बोरो करना पड़ेगा एट है तो यहाँ पे आएगा सेवन और यहाँ पे कितना हो जाएगा ट्वेल्व अब आपको कितने में से ट्वेल्व में से नाइन कट करना है तो आपको फिंगर में आता है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व यहाँ तक आया देखो ट्वेल्व इसमें से नाइन कट करना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कितना बचा वन टू एंड थ्री देखो ये थ्री बचा वन टू थ्री तो यहाँ पे आएगा थ्री अब ये सेवन सेवन में से सिक्स कट करेंगे तो आएगा वन मीटर लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ मीटर अब वैसे दिया है सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर माइनस फिफ्टी सेवन तो फाइव में से सेवन कट होगा नहीं होगा यहाँ से बोरो करना पड़ेगा यहाँ पे सेवन है वन यहाँ पे देंगे तो कितना सिक्स बचेगा और यहाँ पे आपको ये ऊपर लिख देना है तो अब फिफ्टीन में से कितना कट करेंगे हम सेवन तो आपको अब फिफ्टीन में से सेवन कट करना है तो आप कट करोगे तो कितना आएगा एट ये सिक्स में से फाइव कट करेंगे तो वन पीछे क्या लिखा है सेंटीमीटर तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर अब ऐसे सेवन और ये है एट तो सेवन में से एट कट होगा नहीं होगा यहाँ से बोरो करेंगे फोर है तो कितना आएगा थ्री और यहाँ पे कितना हो जाएगा सेवनटीन अब हमें सेवनटीन में से एट कट करना है कितना एट एट कट करेंगे तो कितना आएगा नाइन अब यहाँ पे थ्री है और ये टू थ्री में से टू कट करेंगे वन यहाँ पे वन है तो क्या आएगा वन मीटर है तो यहाँ पे आएगा मीटर अब ऐसे यहाँ पे दिया है जीरो एंड ये है थ्री तो यहाँ पे जीरो में से थ्री कट होगा नहीं होगा यहाँ से बोरो करना पड़ेगा ये है थ्री तो, यहाँ पे कितना टू हो जाएगा और यहाँ पे टेन टेन में से थ्री कट करोगे तो कितना आएगा सेवन yep. अब देखो टू है ये फोर है टू में से फोर कट होगा नहीं होगा तो यहाँ से बोरो करना पड़ेगा तो ये फोर है वन यहाँ पे दे देंगे तो कितना बचेगा थ्री अब आपको ट्वेल्व में से कितना फोर कट करना है तो ट्वेल्व में से आप फोर कट करोगे तो कितना आएगा एट कितना आएगा एट तो यहाँ पे थ्री है तो क्या रहेगा थ्री सेंटीमीटर तो यहाँ पे आपको लिखना है सेंटीमीटर तो जो नीचे वन टू थ्री फोर सम है वो क्या करना है आपको प्रैक्टिस में इसके अंदर ही करना है किसके अंदर इसके अंदर ही करना है आज जो मैंने करवाया ना ऊपर एडिशन के जो ये सम है वो आपको करने हैं और ये जो सब के हैं वो भी आपको खुद को करने प्रैक्टिस के लिए थैंक यू